हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कान्हा जी के लिए हम आसन कैसे तैयार करें। उसके लिए मैंने लिया है एक लकड़ी का टुकड़ा। उस लकड़ी के टुकड़े को मैं एक गोल्डन पेपर से कवर करूँगी। फ्रेंड्स, मेरे पास ये ज्वेलरी का एक पर्स है। इसके कपड़े को मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये एक वेलवेट का पर्स है। आपके पास ना हो तो आप मार्केट से वेलवेट का कपड़ा ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया है इसके सादे पार्ट को। आसन के हेडबोर्ड को बनाने के लिए मैंने एक साड़ी के डब्बे को यूज़ किया हुआ है। उसके डब्बे को मैंने एक हाफ सर्कल शेप में कट किया है और उसके ऊपर मैंने पर्स के कपड़े को कवर किया है। इसको हम इस तरह एक पॉकेट की तरह बनाएंगे। इसके अंदर मैंने ये रुई डाला हुआ है जिससे हमारा हेडबोर्ड जो है बहुत ही सॉफ्ट बने। अब इसे मैंने चारों तरफ से स्टिच कर दिया है। अब मैं इसे सुई धागे की हेल्प से ही मैं इसमें एक डिज़ाइन दूंगी। साड़ी के डब्बे से ही मैं एक और हाफ सर्कल शेप में डब्बे को कट करूँगी जिससे इसके पीछे की फिनिशिंग अच्छी आए। अब मैं इसे भी एक गोल्डन पेपर की हेल्प से कवर कर दूँगी। अब हम लकड़ी के टुकड़े को और हेडबोर्ड को एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। मार्केट से जब हम साड़ी लेते हैं या कोई और कपड़े लेते हैं तो हमें इस तरह की शीट मिल जाती है, तो इसको मैंने संभाल के रखा हुआ था। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी। इसका थोड़ा सा पार्ट लेके हम इसे एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे। और अब मैं इसे भी गोल्डन पेपर की हेल्प से कवर कर लेती हूँ। और ऐसे ही मैंने ये दो बना लिया है और इसको लगाने से हमारे हेडबोर्ड को भी सपोर्ट मिलेगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला है। ये देखिए, तैयार हो चुका है। अब हम इसमें और फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक गोल्डन कलर की लेस यूज़ की है। गोल्डन लेस की हेल्प से मैं अब इसको चारों तरफ से कवर करूंगी जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा।
अब उसी गोल्डन लेंस से मैं कुछ सितारे निकाल रही हूँ। हेडबोर्ड को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं इन सितारों को इसके हेडबोर्ड पे पेस्ट करूंगी। कान्हा जी का आसन बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरा ये DIY ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा DIY और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।